हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम इस चैनल के ऊपर जीके से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम राजस्थान जीके को भी कवर करेंगे और इंडियन जीके को भी कवर करेंगे। इंडियन जीके का जो लेवल रहेगा वो RAS लेवल का रहेगा और राजस्थान जीके का जो लेवल रहेगा वो RAS स्तर का रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी जीके करवाई जाएगी वो आपको छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर जो इंडिया के बड़े से बड़े एग्जाम है जिसमें जीके पूछी जाती है उसमें वो काम आएगी, ठीक है? जो भी क्लास होगी उसके नोट्स PDF के रूप में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ हम जो पोर्शन शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान जीके। देखिए, राजस्थान जीके को चार पार्ट में बांटकर पढ़ा जाता है। जो राजस्थान जीके का जो पहला पार्ट है वो कहलाता है राजस्थान का इतिहास, सेकंड पार्ट राजस्थान जीके का कहलाता है राजस्थान की ज्योग्राफी, थर्ड पार्ट राजस्थान जीके का कहलाता है राजस्थान की कला संस्कृति, और जो फोर्थ पार्ट होता है वो राजस्थान जीके का कहलाता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें इकोनॉमी सर्वे वगैरह ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब पोर्शन हम कवर करेंगे। इसके अलावा इंडियन जीके में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको भी, इंडियन पॉलिटी, इन सबको भी कवर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा राजस्थान के इतिहास का, और राजस्थान के इतिहास में जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास, ठीक है? और राजस्थान के इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखिए, राजपूतों की जो उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं वो चार है, चार सिद्धांत दिए गए हैं। विद्वान इस पर एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है, कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, कुछ इतिहासकार जो विदेशी हैं उनका ऐसा मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। इसके अलावा चंद्र बरदाई का एक अग्निकुंड सिद्धांत भी आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं चारों सिद्धांतों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इतिहासकार हैं जो अलग-अलग वंश को अलग-अलग मतलब पीढ़ी का बताते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण का बताता है तो कोई हूणों की संतान बताता है राजपूतों को, तो वो हम वहीं पर कवर करेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, 25 से 30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्यादातर जो सेंटर वाले हैं ये वाला टॉपिक नहीं करवाते, ठीक है? तो आप लोग इसको आराम से ध्यान से कीजिए। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें पहला सिद्धांत क्या है? क्षत्रियों से उत्पत्ति, क्षत्रियों से उत्पत्ति। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है, ठीक है? ऐसे इतिहासकारों में फर्स्ट नंबर पे आएंगे प्रोफेसर गौरी शंकर ओझा, प्रोफेसर गौरी शंकर ओझा। देखो, जो गौरी शंकर ओझा है वो रीति रिवाजों और शारीरिक गठन के आधार पर राजपूतों को क्षत्रियों की संतान बताते हैं। वो कहते हैं कि जो क्षत्रियों के रीति रिवाज है वैसे के वैसे रीति रिवाज आपको राजपूतों में देखने को मिलेंगे। क्षत्रिय जैसे डील डोल शरीर के होते हैं वैसे ही राजपूतों का शरीर भी होता है, तो मतलब शारीरिक गठन और रीति रिवाजों के आधार पर क्षत्रियों से उत्पत्ति बताते हैं। तो शारीरिक गठन
और रीति रिवाजों के आधार पर। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति, शारीरिक गठन और रीति रिवाजों के आधार पर क्षत्रियों से बताता है। तो कौन सा इतिहासकार बता रहा है? प्रोफेसर गौरीशंकर ओझा। सेकेंड नंबर आपको ध्यान रखना है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा सिक्कों और अभिलेखों के आधार पर राजपूतों को क्षत्रियों की संतान बताते हैं। ये किसके आधार पर? सिक्कों और अभिलेखों के आधार पर, सिक्कों और अभिलेखों के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा एक और है जिनका नाम है चिंतामणि वैद्य। चिंतामणि वैद्य भी राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से बताते हैं। तो ये तीन इतिहासकारों का आपको नाम ध्यान रखना है, चिंतामणि वैद्य भी क्षत्रियों से उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर अगर बात की जाए तो राजपूतों की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। तो दूसरा सिद्धांत हो गया ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ठीक है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाले जो फर्स्ट नंबर के विद्वान हैं, जो पहले नंबर पे आएंगे, उनका नाम है आर जी भंडारकर। आर जी भंडारकर पहले ऐसे विद्वान हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि ऐसे कौन से इतिहासकार हैं, पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया, तो प्रोफेसर आर जी भंडारकर। ठीक है, तो प्रोफेसर आर जी भंडारकर, आर जी भंडारकर, ठीक है, पहले इतिहासकार जो ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, दूसरे इतिहासकार सेम ही दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं। देखो बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया शिलालेख के अंदर जो चौहान है, चौहानों के बारे में ये कहा गया है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, कि वत्स गोत्र का एक ब्राह्मण था वासुदेव चौहान, उसने चौहान वंश की नींव रखी थी। तो उसी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर दशरथ शर्मा राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बता रहे, राजपूतों में भी केवल चौहानों की बता रहे। ठीक है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है, ये किसके आधार पर? तो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर आपको याद रखना है प्रोफेसर जी एन शर्मा, प्रोफेसर जी एन शर्मा। प्रोफेसर जी एन शर्मा कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण बताते हैं। देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो बप्पा रावल है उसका वंश लिखा गया है विप्रवंश, विप्रवंश किसका? बप्पा रावल का वंश, विप्रवंश लिखा है। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है, और अभिलेखों के अंदर अभिलेख जो मिले हैं उन अभिलेखों में राजपूतों को
द्विज विप्र कहा गया, द्विज द्विज विप्र यानी कि द्विज मतलब दूसरा जन्म लेने वाला, विप्र यानी ब्राह्मण, ठीक है। तो अभिलेखों में राजपूतों को द्विज विप्र दूसरा जन्म लेने वाला ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। तो ये बात लिख लेते हम। प्रोफेशन जीएन शर्मा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण बताया, गुहिलों को ब्राह्मण बताया। गुहिल कहां का वंश है? मेवाड़ का वंश है, ठीक है। और यहीं पर लिख लो, अभिलेखों में राजपूतों को द्विज विप्र यानी कि दूसरा जन्म लेने वाला ब्राह्मण का है। देखो राइटिंग यहां समझ में नहीं आ रही है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके अंदर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप खोलिए, आपको जो क्लास नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में वहां पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहां केवल समझने पे ज्यादा जोर रखिए, ठीक है। अच्छा, तीसरे सिद्धांत की बात की जाए तो थर्ड नंबर जो सिद्धांत है वो कहता है कि इन राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, ठीक है। तो थर्ड सिद्धांत हो गया विदेशी जातियों से उत्पत्ति, विदेशी जातियों से उत्पत्ति, ठीक है। तो जितने भी विदेशी हैं वो कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, जैसे कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टॉड सती प्रथा, बहुविवाह, जोहर प्रथा, अश्वमेघ यज्ञ, इन प्रथाओं के आधार पर राजपूतों को सकों की संतान बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि राजपूतों को सकों की संतान कौन कह रहा है, तो प्रोफेसर कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हो गए कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ये क्या बताते हैं? सकों की संतान बताते हैं, ठीक है। नंबर दो पे आपको याद रखना है वी स्मिथ, वी स्मिथ, विंसेंट स्मिथ तथा विलियम क्रुक, ठीक है। वी स्मिथ, विंसेंट स्मिथ तथा विलियम क्रुक राजपूतों को हूणों की संतान बताते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अल बिरूनी राजपूतों को विदेशी नहीं मानता है, ठीक है। तो यहीं पर स्टार लगाकर लिख देते हैं कि अल बिरूनी राजपूतों को विदेशी नहीं मानता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि भाई राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है, तो ऑप्शन में वी स्मिथ या विलियम क्रुक में से कोई भी आपको मिल सकता है, ठीक है। नंबर फोर्थ जो सिद्धांत आता है राजपूतों की उत्पत्ति का, वो सिद्धांत आता है अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत जो है ये दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के दरबारी चंद्रबरदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई की एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने ऐसा वर्णन किया है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, उस यज्ञ से चार राजपूत जातियां उत्पन्न हुई, ठीक है, जिसमें है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ठीक है। तो अग्निकुंड से बताने वाला व्यक्ति कौन है? चंद्रबरदाई है।
दो इतिहासकार आपको यहां पर और ध्यान रखना है, मूढ़ोद नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, ये दोनों अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने चंद्रबरदाई के अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है, तो सूर्यमल मिश्रण और मूढ़ोद नैन्सी, ये दो इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। ठीक है, तो अग्निकुंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है, तो चंद्र बरदाई के अनुसार गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से आबू पर्वत पर चार राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। कौन कौन सी हुई? तो नंबर फर्स्ट परमार, नंबर सेकंड प्रतिहार, नंबर थर्ड चौहान और नंबर फोर्थ चालुक्य, या इसको हम सोलंकी भी कहते हैं। ये चार राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। ठीक है, इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो दो व्यक्तियों का आपको नाम ध्यान रखना है कि सूर्यमल सूर्यमल मिश्रण तथा मूढ़ोद नैन्सी, मूढ़ोद नैन्सी ने इस मत का समर्थन किया है, इस मत का समर्थन किया है। पृथ्वीराज रासो जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे, उसमें हम पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि चंद्र बरदाई की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जलहन ने पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किया था, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, यहीं पर एक बात और आप ध्यान रख लेना कि जो विलियम क्रूक है, विलियम क्रूक अग्निकुंड सिद्धांत की व्याख्या विदेशी जातियों के हिंदू धर्मांतरण के रूप में करता है। कहने का मतलब यह है कि जो विलियम क्रूक है इनका कहना है कि बाहरी जातियां थी, उनको बुलाया गया, यज्ञ किया गया, जनेऊ पहनाया गया और उनको हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया, यही अग्निकुंड सिद्धांत है। कि यानी कि वहां पर कोई मतलब योद्धा उत्पन्न नहीं हुए थे, उस अग्निकुंड के यहां पर पूजा की जा रही थी और पूजा करके विदेशियों को हिंदू बनाया जा रहा था। ठीक है, तो ये बात भी यहां पर मैं नोट डाउन कर देता हूं। विलियम क्रूक ने अग्निकुंड सिद्धांत की व्याख्या विदेशी जातियों के हिंदू धर्मांतरण के रूप में की है। ठीक है, तो ये हो गए चार राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसके अलावा कुछ इतिहासकार हैं जो और भी बताते हैं, वो हम जैसे पर्टिकुलर वंश पढ़ेंगे, चौहान पढ़ेंगे, तो चौहान को कौन किससे बता रहा है वहां पर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे राजपूत युग की आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए राजपूत युग की आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है राजपूत युग की
आर्थिक स्थिति, ठीक है। तो यहीं पर आप लोग लिख लो कि राजपूत युग की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो राजपूत युग की जानकारी हमें, देखो आठवीं शताब्दी का जो टाइम है उसी को राजपूत काल कहा जाता है, ठीक है। तो राजपूत युग की जो स्थिति की जानकारी जो है हमें अल बिरूनी के ग्रंथ से मिलती है, और उसके ग्रंथ का नाम है किताबुल हिंद या तहजीबुल हिंद, ठीक है। राजपूत युग की जानकारी स्रोत, राजपूत युग की जानकारी का स्रोत हो जाएगा अल बिरूनी का ग्रंथ, और इस ग्रंथ का नाम है किताब उल हिंद, या इसी का एक नाम आपको और देखने को मिलता है तहजीब उल हिंद, ठीक है। ये जानकारी देती है। अब राजपूत युग की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ये युग जो था वो आर्थिक संपन्नता का युग था, लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, भूमि कर पूरी उपज का, कुल उपज का 1/6 था, ब्राह्मण कर मुक्त थे, प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। बस ये 4-5 बातें इसमें लिखनी है, ठीक है। तो राजपूत युग की आर्थिक स्थिति कैसे हो गई, आर्थिक संपन्नता का युग था, ठीक है। भूमि कर कुल उपज का 1/6 भाग था, ब्राह्मण कर मुक्त थे, ठीक है। प्रमुख उद्योग इस काल का था सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अब राजपूत युग की आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं राजपूत युग की नारियों की स्थिति, ठीक है। राजपूत काल की नारियों की स्थिति, तो अगर देखो बात की जाए कि राजपूत काल में नारियों की स्थिति कैसी थी, तो राजपूत काल में नारियों की स्थिति खराब हो गई, नारियों की स्थिति में गिरावट आई। सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक है, त्याग प्रथा, जोहर प्रथा, इन सब प्रथाओं के कारण स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें गिरावट आई, ठीक है। तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, त्याग प्रथा क्या होती है, आज के टाइम में भी देख लो त्याग प्रथा चलती है, बहनों से ये एक्सेप्ट किया जाता है, उससे ये माना जाता है कि बहन अपने भाई के लिए त्याग करेगी, तो इसी को त्याग प्रथा कहा गया है। कह रहे तू तो लड़की है तेरे लिए क्या है, तो त्याग प्रथा यहां से शुरू हुई है, जो लड़का और लड़की के बीच डिफरेंस हुआ है वो यहीं से आया, त्याग प्रथा के बाद में अगर बात किया जाए तो जोहर प्रथा, ठीक है, कन्यावध, बहुविवाह आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है। लेकिन इस काल में कुछ विदुषी महिलाएं भी हुई, पुरुष को तो कहा जाता है विद्वान और महिलाओं को कहा जाता है विदुषी, तो इस काल की कुछ विदुषी महिलाएं हैं जिनका आपको नाम ध्यान रखना है। राजपूत काल की विदुषी महिलाएं, ठीक है। तो नंबर 1 हो जाएगी मुंडक मिश्र
की पत्नी भारती, ठीक है, मुंडक मिश्र की पत्नी भारती। दूसरा हो जाएगा राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी, ठीक है, और थर्ड नंबर हो जाएगा भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती, भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती, और लीलावती जो थी ये गणितज्ञ थी, ठीक है। तो ये इस काल की विदुषी महिलाएं हो गई। अब हम बात करते हैं दास प्रथा की। तो क्या राजपूत काल में दास प्रथा थी? बिल्कुल थी। राजपूत काल में दास प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर थी। दहेज में दासियां भेजने की एक प्रथा होती थी जिसे डावरिया प्रथा कहा जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि डावरिया प्रथा क्या है। तो जब लड़की की शादी की जाती तो दहेज में उसके साथ दास दासियां भी दिए जाते थे, तो उन्हीं दासियों को भेजने की प्रथा ही डावरिया प्रथा कहलाती थी, दहेज में दासियां देने की प्रथा, ठीक है। तो अब हम आप लोग हेडिंग लगाइए राजपूत दास प्रथा, राजपूत युग चल ही रहे तो यहां हेडिंग लगा लो दास प्रथा, ठीक है। तो दास प्रथा बड़े पैमाने पे थी। दास प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। दहेज में दासियां भेजने की डावरिया प्रथा प्रचलित थी। यह डावरिया प्रथा पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करते हैं सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था, तो जो शासन है वो सामंतों के द्वारा चलाया जाता था। देखो अगर हम बात करें कि मानो जयपुर का राजा है, जयपुर के राजा के पास में 200,000 की सेना है, तो क्या 200,000 की सेना वो अपने पास रखता है क्या? क्या आमेर, जयपुर में आमेर का किला है, आमेर के किले के अंदर 200,000 लोग आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो राजा क्या करता था कि ये 200,000 की जो सेना है इसको अपने अलग अलग आदमियों में बांट देता था, विश्वास पात्र लोगों में बांट देता था, किसी के पास 5,000, किसी के पास 7,000, किसी के पास 8,000, तो ऐसे अलग अलग लोगों में बांट देता था, और यही लोग क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे, ठीक है। राजा को जब जरूरत होती थी, युद्ध में जाना होता था, तो राजा इन सामंतों को आदेश देता और ये सामंत अपनी सेना लेकर आ जाते थे और सब युद्ध के लिए निकल जाते थे, ठीक है। तो यही सामंत व्यवस्था है। अब जिस एरिया का जो सामंत है वो अपने एरिया का पूरा प्रशासन खुद देखता है और सामंत के पास खुद की सेना भी होती है, ठीक है। राज्य का प्रशासन सामंतों द्वारा होता था। सामंत अपने अपने क्षेत्र का प्रशासन स्वयं देखते थे, ठीक है, तथा इनके पास स्वयं की सेना भी होती थी। ठीक है, सामंत व्यवस्था के बाद हम बात करते हैं इस युग की धार्मिक स्थिति की, राजपूत युग की धार्मिक स्थिति। तो देखो राजपूत युग में शैव जो शिव को माने, वैष्णव और शैक्तव, शैक्तव यानी जो शक्ति को माने, मां दुर्गा की पूजा करे, ठीक है,
तो शैव वैष्णव और शैक्तव तीनों संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते थे, ठीक है, और ज्यादातर लोग शाकाहारी हुआ करते थे। तो धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो इस काल में अधिकांश लोग शाकाहारी थे, शैव वैष्णव तथा शैक्तव धर्म का प्रचलन था। मूर्ति पूजा, कर्म कांड, अवतारवाद का भी प्रचलन था, ठीक है। तो ये हो गया जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, राजपूत युग की सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति और प्लस राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे राजस्थान के प्रमुख प्राचीन जनपद, ठीक है। एक यहां पर टॉपिक और आता है, राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। तो जो सभ्यताओं वाला टॉपिक है वो आपको लास्ट में करवाया जाएगा, क्योंकि सभ्यताएं जो है उनसे हाल फिलहाल के टाइम में देखा जा रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो सभ्यताओं वाला पोर्शन आपको लास्ट में करवाया जाएगा, राजस्थान हिस्ट्री के लास्ट में करवाया जाएगा, ठीक है। और इन नोट्स को आप आराम से पढ़िए, इसके बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। एग्जाम में मतलब 100 में से 100% क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन 70-80% क्वेश्चन के बीच में 100% ये क्वेश्चन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इनको एकदम नोट्स को उंगलियों पर आपको याद करना है। 3 से 4 महीने के अंदर सारी क्लासें आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो भी क्लास है, जो भी उसके नोट्स हैं, वो नीचे आपको PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।